नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली गोगिया और आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। कोरोना की मार से टैक्सी ड्राइवर, परिचालक और मालिकों पर दोहरी मार। कोरोना वायरस महामारी से सबसे ज्यादा परेशानियों से जूझ रहे हैं ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोग। टैक्सी यूनियन के लोगों से जब इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से हम दोहरी मार झेल रहे हैं, क्योंकि इस वजह से काम धंधे बंद हो गए हैं, बच्चों की स्कूल की फीस नहीं जमा हो पा रही, जिससे उनके भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। इसे लेकर कई बार शासन प्रशासन से बातचीत की गई, ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन अभी तक उस शिकायत को लेकर कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। भारत समाचार देहरादून से करण बहुगुणा की रिपोर्ट। अधिक से अधिक सुविधाएं गए यात्रियों को दीजिए, तो एक अगर पेट्रोल और डीजल को सरकार जो अगर उनकी मंशा ठीक होती है तो GST के दायरे में क्यों नहीं लेगी? GST के दायरे में लेगी तो निश्चित रूप में हमें जो है राहत मिलेगी और पब्लिक को मिलेगी, महंगाई भी अंकुश लगेगा। तो हमारी जो मांग, सरकार का ध्यान कहीं और तरफ, भाई आम आदमी की जो समस्या उस तरफ जो कहीं ध्यान नहीं है। हम तो आपके माध्यम से सरकार को एक बार इंगित कराना चाह रहे हैं, अगर समय रहते हुए अभी भी सरकार चेतन नहीं और ट्रांसपोर्टर की मांग को अगर गंभीरता से नहीं लिया, निश्चित रूप में इसका जो है ये भयंकर आंदोलन होगा और इसकी सारी जो जिम्मेदारी होगा। मेरा नाम शेर सिंह राणा, CI2 का यहाँ का जिले का उपाध्यक्ष हूँ और अपनी यूनियन का प्रधान। आप क्या बोलना चाहते हैं सर अपनी यूनियन के तरफ से? हम तो ये चाहते हैं कि सरकार दरअसल जो है बिल्कुल ट्रांसपोर्टरों की तरफ सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है। आपने देखा होगा पिछली बार जो है एक पांडे जी थे वहाँ के हल्द्वानी के, और वो एक काबीना मंत्री सुबोध उनियाल के यहाँ गए और उन्होंने अपनी समस्या ट्रांसपोर्ट की रखी है। मंत्री जी ने ये करके उन्हें ये अनसुनी करके वो उसने कहा भी कि मैं जहर खा लूँगा और उन्होंने हल्के में उसे देखे और उन्होंने वास्तव में जो है सुसाइड करके अपने आत्महत्या की। तब भी सरकार चेती नहीं है कि ये स्थिति, अपनी जान कोई इतनी आसानी से नहीं गंवाता है। सरकार जो है ट्रांसपोर्ट के प्रति जरा सा भी गंभीर नहीं है। 24 मार्च 2020 से लॉकडाउन हो गया, तब से आज तक जो ट्रांसपोर्ट की स्थिति, चाहे वो बस है, चाहे वो टैक्सी है, चाहे वो मैक्सी है, तमाम जो छोटे लोडर हैं, जो जिन लोगों का ये विक्रम है, ये ऑटो रिक्शा है, तमाम लोग प्रभावित हुए हैं इस चीज़ से। अभी आपकी क्या मांग है सरकार से? अभी हमारी जो सरकार से ये मांग है, पांच मांग है हमारी मुख्य। हमारी पहली जो मांग है, हम एक साल से चला रहे हैं, सारे ट्रांसपोर्टर चला रहे हैं कि हमारा 2 साल का कम से कम जो है टैक्स आप माफ़ कर दीजिए, क्योंकि 1.5 साल तो होने ही वाला है, 16 महीने तो हो चुके हैं, अभी आगे कितना रहेगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर भी सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। 2 साल का हमारा टैक्स माफ़ होना चाहिए, कोई भी टैक्स हो सारे जो माफ़ होनी चाहिए इसमें। नंबर दो जो हमारी जो मांग है, हमारी मांग ये है कि भाई जब गाड़ियाँ चल ही नहीं रही है तो टैक्स है किस बात का ही? दूसरी जो हमारी मांग है, मुख्य मांग है, वो ये है कि जब तक जो है कोरोना काल का ये स्थिति सामान्य स्थिति नहीं होती, तब तक हमें ड्राइवर को, गाड़ी वाले को 10,000 कम से कम उसके मेंटेनेंस के लिए, जिससे वो अपना बच्चे भी पढ़ा ले, अपना खाना भी खा ले, किराए में लोग रहते हैं, तब जाके हमारा गुजारा हो सकता है। इसी के साथ जो और दूसरी हमारी इसी के साथ जो मांग है, इसी का जो पार्ट है कि सरकार ने पिछली बार कहा था कि 1,000 रुपये हम प्रत्येक ड्राइवर को देंगे, आज तक भी किसी को 1 रुपये नहीं दिया गया। तो सरकार इतनी इसमें इतने हमारी जो वो मांग है इसे इतनी नज़रअंदाज कर रही है कि शायद ये लोग कुछ है नहीं, यानी सरकार का बिल्कुल भी है, जबकि सबसे ज़्यादा टैक्स जो है ट्रांसपोर्टर जो है सरकार को देता सबसे ज़्यादा। हमारा इसमें ये भी कहना है कि भाई जब तक ये लॉकडाउन रहता है, प्रत्येक ड्राइवर को और जो आपका परिचालक है, कंडक्टर है, और जो मालिक है, मालिकों की स्थिति बड़ी ख़राब है। ऐसा नहीं कि मालिक बहुत अच्छे, उनकी स्थिति बहुत अच्छी, ऐसा कुछ नहीं, गाड़ी चली ना रहे तो उसमें जो है फ्री राशन, उनके जो लाइसेंस हैं उन लाइसेंस पे या गाड़ी के RC पे, क्योंकि परमिट सबके लोगों के नहीं, राशन कार्ड नहीं है सबके, इसलिए हम ये निवेदन चाहते हैं सरकार तब तक सबको क्या दे, फ्री राशन दे। दो, तीसरा हमारा यह है कि जो पेट्रोल डीजल आप देख रहे हैं कि 100 पार कर गए पेट्रोल, और आज यहाँ देहरादून की अगर बात बताएं तो 93 रुपये के आसपास जो है लीटर जो है पेट्रोल है और 85 रुपये के आसपास जो है क्या है डीजल है। इन परिस्थितियों में फिर भी हम लोग जो है चलिए।
सबसे पहले मैं मीडिया वालों को यहाँ पे धन्यवाद चाहता हूँ कि आप लोग हमारे समस्या के लिए यहाँ पे आए हैं और हमारे जो पान सुधरिया मांग है, सबसे पहले मेन मुद्दा हमारा है दो साल का, कम से कम हमारे दो साल का, जब से कोरोना काल चला दो साल के लिए हमारा टैक्स माफ हो गया। उसके बाद दूसरी मांग है हमारी ड्राइवर कंडक्टर गाड़ी मालिकों को कम से कम कोरोना काल तक के लिए 10,000 प्रति माह दिया जाए। तीसरी मांग है हमारी इंश्योरेंस जो है कोरोना काल तक कम से कम उसे समायोजित आगे के लिए एक्सटेंड किया जाए। और जब से ये कोरोना काल 2020 कोरोना काल है तब से बैंक में जो किस्त है हमारी गाड़ियों की तो ये इसमें ब्याज लिया जाए। ठीक है, ये इसे हमारी मांग।